युवराज जी विधायक पर्सन नंबर 26 जी सर आंसर लीड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने उत्तर में जवाब दिया कि 17 मकान अलका बरोदा में और एक मकान शहर में गोहाना में तो मुख्यमंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा कम से कम 32 से 33 गांव में जो फसल तो नष्ट हुई ज्यादा बरसात के कारण लेकिन गांव के अंदर मकानों में भी पानी घुस गया था और मैंने 32-33 गांव में खुद जाके दौरा किया जिसमें सैकड़ों गांव में जो मकान थे सैकड़ों मकान 32-33 गांव में सैकड़ों मकान थे उनमें दरारें भी आई कई मकान तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मकान पूरी तरह से अस्थिर हो गए पूरे खत्म हो गए और सैकड़ों मकान खराब हुए और मैं आपको कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि आप जो पोर्टल का जिक्र किया बहुत सारे आपने देखा गांव में अभी भी अनपढ़ बहुत है पोर्टल का ज्ञान नहीं है आप चाहे BDPO से या पंचायत सेक्रेटरी किसी और से भी आप इसका निरीक्षण करवा गए जिन गरीब परिवारों के मकान खत्म हुए गिर गए किसी में तेड़ आ गई उनका पूरा करने का काम करें आप देखो 10,000 की यार राशि की बात करी कई जगह 10,000 में तो कोई मकान की तेड़ भी बंद नहीं होती तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक तो मुआवजा भी बढ़ाएं और एक जो अधिकारी है बने उनके तहत उनका मुआवजा करा गए और उन मकानों को पूरा करा मकान बनवाए जाए अध्यक्ष महोदय माननीय विधायक ने जो बात कही जवाब में भी लिखा गया है कि 22 तारीख तक हमारे पास जो रिपोर्टेड बड़ौदा का डाटा था क्षतिपूर्ति पे वो था कि वहां पर 12 मकान और एक एनिमल शेड की रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति के माध्यम से गई है 25 तारीख को संध्या 5 बजे क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद किया गया है जब तक जो डाटा हमारे पास आया है बड़ौदा में 22 मकान और एक एनिमल शेड है माननीय सदस्य ने जो बात कही कि भी गरीब आदमी के पास आज डाटा अपलोडिंग की जो फैसिलिटी है फैसिलिटी हर गांव में CHC सेंटर है व्यक्ति को स्वयं नहीं डालना पड़ता मगर कई जगह ये विवाद हमारे सामने आया कि वहां पर प्रॉपर्टी आईडीज गांव के तो हमारे स्वामित्व के बाद बन गए पर जो पंचायत की भूमि या प्राइवेट भूमि में गांव के बाहर किसी ने मकान बना रखा था खेत में मकान बना रखा था उनके प्रॉपर्टी आईडीज जो थे वो वहां पर नहीं बन पाए तो इसके लिए आज मैं ये निर्णय लेता हूं कि हम SDM लेवल पर मैन्युअली अगर कोई व्यक्ति इसको अपलोड करना चाहे तो उसकी परमिशन दे देंगे और अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना डाटा रिपोर्ट कर सकता है जहां पर आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया आप खुद अपने जो सामने कागज है उसमें अगर पढ़ पाए तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर अगर पार्शली डैमेज या माइनर डैमेजेस है अगर किसी का 15% से ज्यादा घर का नुकसान है तो उसको 1,20,000 तक का भी प्रावधान है तो दोनों तरीके से जिन जिन के डाटा हमारे पास अपलोड आएंगे केवल मात्र आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी सभी SDMs को डायरेक्शन दे दिए जाएंगे हरियाणा प्रदेश में जहां एक्सेसिव रेनफॉल या फ्लड के कारण किसी भी घर को पार्शल डैमेज या फुल डैमेज हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी धन्यवाद धन्यवाद नहीं 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 पूछ लिया उन्होंने उनका था क्वेश्चन नहीं नहीं फिर पूरे 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 अगर वहीं का उन्होंने स्पेसिफिक पूछा एक मिनट नहीं 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 मेरी बात सुनिए स्पेसिफिक उन्होंने स्पेसिफिक अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे